हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो आप देख सकते हैं आज क्रूड ऑयल ये डेली चार्ट और क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 4070, फर्स्ट ऑफ रेजिस्टेंस 4164, सेकंड रेजिस्टेंस 4238, थर्ड रेजिस्टेंस 4332, फर्स्ट सपोर्ट 3996, सेकंड सपोर्ट 3902, थर्ड सपोर्ट 3828। तो इसमें देख सकते हैं डेली कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है, जिसे मैंने ये सपोर्टिंग लाइन दिया था। तो सपोर्टिंग लाइन मैंने इसलिए दिया था, ये वीकली मूविंग एवरेज का एक सपोर्टिंग रेंज बनाया, और साथ में आपने देख सकते हैं ये ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए। तो प्लस ये जो सपोर्टिंग लाइन है, अगर उसको ब्रेकआउट किया है तो मुझे लगता है 3705 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्रीवियसली हायर, क्योंकि यहाँ पे वीकली आप देख सकते हैं बहुत बार ट्राई किया था इसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो एक सपोर्ट लाइन बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, फिर से एक सपोर्ट बन सकता है, राइट। तो अगर डेली में देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आ रहा है, राइट। तो हमें अगर 4 आवर में देखें, 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो लेकिन एक बात देखना चाहिए यहाँ पे, जिसे कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो ये रीजन से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज 20 बहुत ऊपर में है। तो पहले ये 20 सपोर्ट रेंज में एक सॉरी रेजिस्टेंस रेंज बना के यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आया, तो एक रेजिस्टेंस लाइन बना के काम कर रहा है, जिसे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 20, रेजिस्टेंस 20, रेजिस्टेंस 20 एंड 50, 100, रेजिस्टेंस 20 एंड 150, 20 रेजिस्टेंस, 20 रेजिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे लगता है रेजिस्टेंस 20 में ही फिर से मार्केट नीचे आने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तो 20 मूविंग एवरेज नीचे आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे साइडवे हो जाएगा, तो जब तक 20 मूविंग एवरेज नीचे ना नहीं जब तक नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज 1 आवर में रेजिस्टेंस बना के रुका हुआ है, तो 50 मूविंग एवरेज ऊपर में है, मुझे लगता है 50 मूविंग एवरेज आने तक मार्केट यहाँ पे ये रीजन में 3994 टू 4013 तक ये रीजन में मार्केट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा, और ये रीजन में एक साइडवे करके मार्केट ये एरिया में चलता रहेगा, राइट। तो अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में आपको एक बात देख सकता है, लेकिन एक यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होके नीचे आया, तो नीचे मुझे लगता है ये कितना है, जो प्रीवियस लोअर पॉइंट तक आके फिर से वो ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। तो यहाँ से जब तक ये 200 मूविंग एवरेज आसपास नहीं आएगा, तो अगर 5 मिनट में देखे तो 5 मिनट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो मार्केट ये एरिया में अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना चाहिए, जैसे 3994 टू 4036, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।